नहीं, अभी फेशियल की क्या जरूरत है, फेशियल आराम से कराना, 2-3 महीने में एक बार कराना, नहीं तो स्किन ढीली हो जाती है। हाँ पकड़ो बेटा, ऊपर से पकड़ो। हाँ नहीं, वैसे अभी आपके आईब्रो हुए नहीं है थ्रेडिंग लायक। आप एक काम करो, अभी नहीं कराओ, 8-10 दिन बाद ना अच्छी ग्रोथ आएगी, तब अच्छे से बना दूंगी। ठीक है, उठ जाओ बच्चे। बच्चे आप अभी से क्यों हेयर ट्रिम कराने आ गए हो, अभी तो बाल लंबे भी नहीं हुए, और बार बार ट्रिमिंग कराओगे उससे कोई बाल बाल लंबे होते नहीं है, बेवजह की बातें। आप अच्छे से ग्रो आउट करो, उसके बाद बढ़िया सा स्टाइल बनाएंगे, ठीक है, मेकओवर कर लेंगे। ओके बच्चे, ये तो देखो हाथ पे कोई बाल ही नहीं है, क्या जरूरत है वैक्स वूक्स कराने की, और ये सारे वैक्स ना एक जैसे होते हैं, कोई बोलेगा चॉकलेट करा लो, कोई बोलेगा डेयरी मिल्क करा लो, कुछ नहीं करा मैं, वैक्स वैक्स ही होता है। बच्चे आपको तो बाल वाल ही नहीं है, इतने तो होने चाहिए ना नेचुरल, थोड़ा तो इंसान को हल्का सा रेशा होना चाहिए, बहुत जरूरी होता है स्किन की प्रोटेक्शन के लिए। नेल पेंट भी क्यों लगा रहे हो, मैं तो बोल रहा हूँ घर जाके खुद लगा लो। बच्चे हेयर कलर कराने की क्या जरूरत है, कोई आपके बाल सफेद है, कोई जरूरत नहीं कलर कुलर कराने की, वो क्या होता है उसमें अमोनिया निमोनिया कुछ कुछ होता है उसमें बेटा, पूरा स्कैल्प खराब हो जाता है। हाँ मैं बता रही हूँ, प्रोफेशनल हूँ आखिर। इधर दिखाओ, नहीं मेरे को तो नहीं दिख रहे कोई रिंकल्स। बच्चे ये सब कुछ नहीं होता है, आप ये पील पूल के चक्कर में, ट्रीटमेंट के चक्कर में नहीं पड़ोगे, ठीक है, नहीं तो सांप जैसी कैचुली उतरती है। बच्चे ब्लो ड्राई कराना है, बेटा क्यों ब्लो ड्राई कराते हो, गरम गरम हवा आपके बालों में पड़ती है, बाल खराब हो जाते हैं सारे, कोई नहीं बताएगा, मैं बता रही हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ।